हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज नीतिश वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस ओके तो देखो इंटरनेशनल बिजनेस को समझने से पहले आई होप आप बिजनेस का मतलब समझते हो एक बार जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं बिजनेस क्या है तो बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो कोई भी एक्टिविटी जो हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स पैसा अर्न करने के लिए इन ऑर्डर टू अर्न मनी हम जो भी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बिजनेस बट पैसा कमाने के लिए हम जॉब भी करते हैं तो बिजनेस और जॉब को कौन साइड नहीं करना है फर्क क्या होता है बिजनेस और जॉब में जॉब में आप किसी और के अंडर काम करते हो किसी और के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम करते हो बट अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टूडेंट बिजनेस की तो बिजनेस में आप क्या करते हैं बिजनेस में आप खुद से कोई काम करते हैं मीन्स यू आर दॉस ऑफ योर आप खुद के मालिक होते हैं बिजनेस में हम क्या करेंगे हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे रॉ मटेरियल को लाने के बाद लेबर की मदद से और कुछ मशीन की मदद से उसे एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे राइट right? ठीक है जैसे सपोज मान लो मैंने कहा ये बुक है अब ये बुक को बनाने के लिए जो कंपनी है उन्होंने क्या किया होगा उन्होंने पहले बहुत सारा पेपर इकट्ठा किया पेपर के बाद ये थोड़ा सा हार्ड जो शीट है थोड़ी सी मोटी ये है इसको इकट्ठा किया होगा इंक लाए होंगे मशीन लाए होंगे लेबर लाए होंगे जो जिन्होंने सब कुछ बैठ के प्रिंट किया तो रॉ मटेरियल आया और रॉ मटेरियल को देखो कितने सिस्टमैटिकली अरेंज किया मदद मतलब प्रोसेस के थ्रू ये क्या बन गई एक बुक बन गई एक तो ये कर सकते हैं बिजनेस में या फिर बिजनेस में आप क्या करते हो या फिर आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं बनना चाहते आप किसी से सामान लोगे और आगे किसी को वो सामान बेच दोगे एज अ होलसेलर या फिर एज अ रिटेलर बनके वो सामान एक जगह से लोगे और फिर वो किसी और को भेज दोगे कस्टमर को तो ये भी बिजनेस का फॉर्म है या फिर आप हमारी तरह सर्विसेज को जनरेट करोगे राइट तो ये सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है अब students, ये बिजनेस अगर आप जिस भी देश के हो से मैं कंसिडर करता हूं कि इंडिया तो अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो चाहे सेल परचेज वाली चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली चाहे ये सर्विस वाली अगर आप जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री के अंदर आप अपना सामान को खरीद बेच रहे हो देन इट विल बी टॉम एज डोमेस्टिक बिजनेस राइट लेकिन हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस तो बहुत सिंपल हो गया मतलब समझना जब आपका बिजनेस आपकी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे जब आपका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जो कंट्री का एक मैप होता है ना उस मैप के बियॉन्ड चलने लग जाए तो उसे आप क्या कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस सीरियसली ड मैटर कि आप अपनी नेबरिंग कंट्री लाइक भूटान या फिर नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर सपोज कि पाकिस्तान इनके साथ ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड यूरोप में किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो जैसे ही आपका बिजनेस आपके बॉर्डर्स को क्रॉस करेगा इट विल बी टर्मड एज इंटरनेशनल बिजनेस तो आई होप इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब आपको क्लियर होगा

आप अपनी कंट्री में रख के उसको वेस्ट करोगे तो इससे बेटर आइडिया क्या है वेस्ट करने से अच्छा आप दूसरे उन कंट्रीज को वो सामान दो जिनके पास उसकी कमी है इससे आपका सरप्लस जो सामान बना है राइट वो वेस्ट होने से भी बच जाएगा साथ ही साथ आपको अच्छा एक पैसा भी आपके सामान का मिल जाएगा दूसरी वजह अब जैसे एक बात बताओ आपने डेफिनेटली यूएई मिडल ईस्ट की कंट्री दुबई धाबी शारजा ये कंट्रीज जो है सुनी होंगी है ना अब ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं इनमें स्पेशलिटी है दैट दे आर रिच इन क्रूड ऑयल इनके पास क्रूड ऑयल के रिजर्व बहुत सारे हैं बट इंडिया इंडिया के पास क्या है इंडिया के पास कमी है क्रूड ऑयल की अब ये ये भी एक बेसिस बन जाता है स्टूडेंट इंटरनेशनल बिजनेस का कि कभी कभी कुछ कुछ कंट्रीज के पास किसी किसी तरह के पर्टिकुलर रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं राइट और किसी के पास कम तो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज ज्यादा है तुम उसको दूसरे देश को बेच दो और जिस रिसोर्सेज की तुम्हें कमी है वो तुम दूसरे देश से बाय कर लो तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस करने जाते हैं जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप चाहते हो कि आपको सरप्लस जो आप सामान बना रहे हो उससे पैसा मिल जाए दूसरा कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के पास किसी के पास किसी चीज की कमी है किसी के पास किसी चीज की कमी है सो दीज ऑल आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ओके चलो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आज का टॉपिक सबसे पहले मॉडर्न इंटरनेशनल बिजनेस की जो फाउंडेशन है ना स्टूडेंट दैट कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेल विद इज ग्लोबलाइजेशन हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं हम मैं आपके लिए हाईलाइटर यूज कर रहा हूं जस्ट अ मोमेंट का कलर चेंज कर लेते हैं ना ताकि आपको ढंग से समझ में आए रेड ले लेते हैं ठीक है ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन ठीक है सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसी वर्ड का मतलब समझना है दैट व्हाट टू वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन तो देखो पहले क्या होता था देखो आप जब छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स जल्दी से आपको बाहर घर के बाहर ज्यादा दूर तक जाने नहीं देते वो पहले तो बहुत जब आप लाइक अपने टॉडलर स्टेज में हो एक दो तीन चार पाँच छः सात साल तक आठ साल तक नौ साल तक हो तो आपके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि भैया चार पाँच छह साल तक तो आप छत पे ही खेल लो अपनी गली में भी अगर वो बाहर खेलने भी देंगे पाँच छह साल की एज में तो वो कहेंगे भाई हम बैठेंगे तब खेलना जब अब तक हम नहीं तब मत खेलना फिर आप थोड़े बड़े होते हो दस ग्यारह बारह साल के होते हो तब आपको परमिशन मिल जाती है कि चलो भाई तुम अपनी गली तक खेल लो फिर आप ग्यारह मतलब चौदह पंद्रह साल के आसपास आते हो तो आपको जो नियर बाय पार्क वगैरह होते हैं वहां तक जाने देते हैं कि चलो वहां जाके भी आप कर लो जो भी खेलना आपको खेल लो आप इंट्रैक्शन भी फिर मतलब अलग अलग लोगों से करने लग जाते हो ऐसे ही होता है ना ऐसा तो नहीं होता कि वो सीधा एक ही बार में आपको पाँच साल छह साल की एक्सपोज कर देते कि एक काम करो जाओ जिसके साथ खेलना है जिससे बात करना है करो ठीक है हमें नहीं मतलब ऐसा नहीं होता बिकॉज उनको प्रोटेक्टिव होना पड़ता है आप बहुत अर्ली स्टेज में होते हो ऐसे में अगर आप किसी एक अननोन पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उसके इंटेंशन नहीं पता हो सकता है अच्छा भी हो लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्सन आपको एक्सप्लॉइड कर सकता है राइट right? तो पहले के टाइम पे जब पहले के टाइम पे कहने का मतलब है कि जब एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई जो देखो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा दो चीजें बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो कोई बिजनेस नहीं है लेकिन वाटरवेज और एयरवेज का प्रॉपर मैनर में होना सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए तो जब ये आपके पास वाटरवेज और एयरवेज स्टार्ट हो गए तब कंट्रीज ने ये सोचा कि अब अपनी डोमेस्टिक फॉर्म जो है ना इनको डोमेस्टिक से निकल के बाहर दूसरे देशों में ले जाया जाए लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पेरेंट्स एट द वेरी अर्ली स्टेज आपके लिए क्या होते हैं बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं ठीक है थीके? कि नहीं भाई इससे बात नहीं करनी इसके पास नहीं जाना लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज वो आपको कहते कि यू आर फ्री टू गो आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो आप जाओ सेम विद ग्लोबलाइजेशन अर्ली वेरी अर्ली स्टेज में स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप अपनी कंट्री में बाहर से आने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज मैंने वर्ड यूज किया मल्टीनेशनल कंपनीज वाई क्योंकि वो कंपनी जिनका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है लेकिन ये वहां से बैठ के बाकी सारी कंट्रीज में ट्रेड करते हैं उन्हीं कंट्री उन्हीं कंपनीज़ को सॉरी हम क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं स्टूडेंट्स राइट सो so, होता क्या है अब मान लो आप यूएसए आप गूगल हो आप गूगल हो आप इंडिया आना चाहते हो अब इंडिया इस चीज को पहले प्रोटेक्ट करता था 1991 से पहले आगे हम इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया को लगता था अगर फॉरेन से अब देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं ठीक है आई नो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा बट एग्जांपल देखो ये दो बॉटल्स आप देख सकते हो ये भी ब्रास की बॉटल है ये भी ब्रास की बॉटल है अब सोचो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है है ना इंडिया क्योंकि डेवलपिंग नेशन है तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ज्यादातर काम लेबर से होता है तो इंडिया इस तरह की ब्रास बोटल बना रहा है लेकिन क्योंकि यूएस तो ऑलरेडी तो स्टैब्लिश कंट्री है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है बहुत एडवांस मशीन है हाईली स्किल्ड लेबर है वो ऐसी बोतल बना रहे आप जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हो आपको भी पता चलेगा कि आप कहोगे सर दस बीस रुपए पचास रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन हम ये लेंगे रेदर देन दिस क्यों क्योंकि तो आपको दिख रहा है कि भाई वो जो बॉटल है एक तो डिजाइन अच्छा है ठीक है डिजाइन अच्छा होने के साथ साथ फिनिशिंग ज्यादा अच्छी लग रही है ठीक है उसके ऊपर पैटर्न बना हुआ है बाकी दूसरी तो सिंपल सी काली काली होगी ऊपर से कॉपर रिएक्शन होने की वजह से इसलिए पहले जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है वो फॉरेन की जो कंपनी आती है उनको रोकती है कोशिश करती है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि जल्दी से कोई कंपनी आए ना रीजन क्या है क्योंकि उनकी डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाएगी राइट right? लेकिन बाद में देशों को समझ में आया कि अगर ऐसी कंपनीज नहीं आएंगी तो आपकी कंपनी जो आपकी कंट्री की कंपनीज है वो सोचेंगी कंपटीशन तो है नहीं जो मर्जी आए बना बेचते जाओ क्या फर्क पड़ रहा है एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टूडेंट कि ग्लोबलाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि जो दूसरी कंट्री है एक तो वो अपना बिजनेस करना चाहती है और हम चाहते हैं है तो आगे हम बात करेंगे देखो जैसा मैंने अपने पूरा एक ओवरव्यू दिया ग्लोबलाइजेशन का इसमें आपको समझ तो आ गया कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी आगे पूरे का पूरे वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे डिटेल में कि फायदे क्या नुकसान है और क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी खासी लेवल तक पढ़ाई कर चुके हो तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है दैट अलाउ योर सेल्स टू अंडरस्टैंड दिस दैट एवरी कॉइन हैज टू फेसेस हर एक कॉइन के दो फेज होते हैं ठीक है तो दो फेज का मतलब क्या हो गया कि बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है तो सेम है अब जरा बात करते हैं डेफिनेशन की तो डेफिनेशन देखो क्या है ग्लोबलाइजेशन इज ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस इंटरकनेक्टेड हो गया कि यूएसए अब ट्रेड करने लग गया है किसके साथ यूएस ट्रेड करने लग गया है इंडिया के साथ एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज नाउ हाउ इंटरडिपेंडेंस देखो इंटरडिपेंडेंस तो है क्यों कि होपफुली आपने जो जी ट्वेंटी समिट हुआ था उसके बारे में सुना ही होगा ट्वेंटी ट्वेंटी उस समिट ने कितना ज्यादा मतलब हाइप थी कितनी ज्यादा हाइप है कि इंडिया जी ट्वेंटी समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया ने कितना कुछ दिल्ली के अंदर कितने सारी चीजों को कितने मल्टीपल चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि जी ट्वेंटी समिट को बहुत अच्छे से किया जा सके ये बात आपने सुनी थी होपफुली अगर आपने उनके टेक अवे मतलब उनकी बातें सुनी होंगी कि क्या क्या हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा जो चीज था उसको पूरी तरीके से कर दिया गया कि इंडिया और यू मतलब इंडिया से लेकर दुबई के बीच में क्या हो रहा है इंडिया से लेकर के दुबई के बीच में फ्रॉम मुंबई मुंबई टू दुबई अब एक अंडर द सी टनल बना करके एक जो है बुलेट ट्रेन चलेगी ठीक है अब इस बुलेट ट्रेन का, का काम केवल ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है कि तुम्हें उठा के वहां लेके जाना उन्हें उठा के ना ना इस जो पूरा का पूरा लूप बनाया जाएगा उस लूप में स्टूडेंट दो पाइप्स बनाई जाएंगे एक पाइप का काम होगा यू ए से क्रूड ऑयल को यहां तक लेके आना और दूसरे पाइप का काम होगा स्टूडेंट्स इंडिया से वाटर वहां पे भेजना तो मींस अब दोनों क्या हो गए इंटर डिपेंडेंस के पानी के लिए वो हम पे डिपेंड हो गए और पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल के लिए हम, हम पे डिपेंड हो गए अगर हम यूएस की बात करूं तो यूएस टेक्नोलॉजी आप आज देखते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके घर में क्या है लैपटॉप है लैपटॉप किसका होगा या तो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो गया एप्पल का मैक या फिर आप एप्पल के अलावा दूसरे ब्रांड एचपी लेनोवो या कोई भी कंपनी का यूज कर रहे हो आप सुनो एक बात समझो आप कोई भी कंपनी का जो लैपटॉप या ब्रांड का यूज कर रहे हो है तो दोनों के दोनों का जो माइक्रो मतलब जो दोनों के दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो यूएस का ही है ना या तो आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के तौर पर ठीक है या फिर आप एप्पल यूज कर रहे हो मैक तो दोनों गांकी यूएस तो इंटर डिपेंडेंस है तो इंटर डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज बिजनेस एंड कल्चर ऑन अ ग्लोबल स्केल अब देखो कल्चर भी हिट होता है हमें कैसे पता कि वेस्टर्न लोग क्या पहनते हैं ये हमें तब पता चला जब वेस्टर्न लोग यहाँ पे आए एज अ डिप्लोमेट आए जब वो लोग बिजनेस की फॉर्म में यहाँ पे आए वो यहां पे रहे उन्होंने अपनी कंजम्पशन बताई तो इंडियंस को समझ में आया अच्छा कि ये लोग इस तरीके से करते हैं तो कल्चर्स भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सचेंज होते हैं आगे इट इज मल्टीफेसेटेड मल्टीफेसेटेड कैसे है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का काम केवल बिजनेस का ही है जैसा कि आपने पढ़ा कि यहां पे इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन होता है बिजनेस का इंटीग्रेशन होता है कल्चर का इंटीग्रेशन होता है लैंग्वेज एक्सचेंज होती है बहुत सारी चीजें राइट सो मल्टीफेटेड फिनोमिना कैरेक्टराइज बाय द बाय द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एज ए टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि इसका काम है मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे पहला काम ही क्या है मतलब ही क्या है कि जब आप ट्रेड करेंगे अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करके तो वो ट्रेड जो आपके बॉर्डर्स को क्रॉस करके किया जाएगा उसी ट्रेड को स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा उसी ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाएगा तो आगे हमें कहा है सेवरल की एस्पेक्ट्स ऑफ डिफाइन ग्लोबलाइजेशन इन द रिल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अभी देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम उसको समझ सकते हैं चलो सबसे पहला काम क्या है मार्केट इंटीग्रेशन जैसा कि आप देख सकते हो अब मार्केट इंडिकेशन कैसे एज ए टोल्ड यू मार्केट इंडिकेट होगी ना आज आप अपने घर बैठे हुए इन आप कौन से स्टेट में हो आप दिल्ली में हो हरियाणा में हो आप सिक्किम में हो आप केरल में हो आप तमिलनाडु में कोई फर्क नहीं पड़ता आप वहां की मार्केट के अंदर दुनिया से कहीं से भी गुड्स को मंगवा सकते हो इंटरनेट की मदद से ये चीज हेल्पफुल हो पाई है लेकिन साथ ही साथ में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन किया स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन में आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको दूसरी कंट्री के साथ जाके ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं कि हां जी हम आपके साथ ट्रेड करने के लिए अग्री करते हैं क्योंकि स्टूडेंट आपने शायद अपने हायर स्कूल के अंदर पढ़ाई होगा इस चीज को कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो उसमें टैरिफ्स ठीक है और अदर टैक्सेस का रोल होता है राइट तो उसमें गवर्नमेंट को जा करके साइन करना होता है गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से बात करनी होती है कि हमारा जो टैक्सेशन का रेट रहेगा एक दोनों कंट्रीज के बीच में वो क्या रहेगा जनरली ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जिन जिन कंट्री के साथ आपके ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं उनके साथ आप ट्रेड बैरियर्स हटा देते हो मतलब आप पूरी तरीके से टैक्सेस वगैरह के जो रोल होते हैं काफी सारी कमोडिटीज पे उनको हटा देते हो राइट तो इसीलिए मार्केट को इंटीग्रेट किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड लिबरलाइजेशन सुन देखो लिबरलाइजेशन का जो है, आपने अपने कम्स फ्रॉम लैटिन और ग्रीक वर्ड लिबर राइट एंड लिबर सिंपली मीन फ्रीडम लिबर का मतलब क्या होता है freedom. अगर आप चाहते हो कि आप दोनों कंट्रीज के बीच में तीन चार पांच छह कंट्रीज के बीच में ट्रेड स्मूथली हो तो आपको उनको लिबरलाइज करना पड़ेगा इसका मतलब है उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी अननेसेसरी जो आप टैक्सेस इंपोज करोगे वो हटाने पड़ेंगे क्योंकि टैक्स एक सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है स्टूडेंट कैसे बन जाता है क्योंकि देखो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे कोई सामान वहां से यहां पे मंगाना है सपोज यूएस से यहां पे मंगाना है तो सामान की कॉस्ट मुझे देनी है इंश्योरेंस का पैसा मुझे देना है ट्रांसपोर्टेशन भी मुझे देना है अब सरकार कह रही है कि दो सौ परसेंट टैक्स देखो अगर तो आप एक बिजनेसमैन के तौर पे कोई मशीन मंगा रहे होते यूएस से जर्मनी से या किसी भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से मंगा रहे होते जापान से मंगा रहे होते ये मशीन एक बिजनेसमैन क्यों मंगाएगा उसके मंगाने की सबसे पहली वजह ही होगी कि वो चाहता होगा कि उस मशीन को अपने बिजनेस बिजनेस में में इस्तेमाल इस्तेमाल करूंगा और वो में करके बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन से क्या फायदा स्टूडेंट मोर प्रोडक्शन विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट मोर एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू मोर इनकम मोर इनकम विल लीड टू मोर डिमांड मोर डिमांड विल लीड टू मोर सप्लाई एंड इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज कहीं ना कहीं आपकी कंट्री के अंदर इनकम के फ्लो को बढ़िया करने वाली थी लेकिन आपने इतना टैक्स मांग लिया बेचारे से उसने कहा मैं नहीं कर रहा जितना चल रहा तो तो है आपको ग्लोबलाइजेशन का बेसिस जो है वो टैरिफ्स को हटाना पड़ेगा टैरिफ का मतलब क्या होता है ध्यान से सुने इंपोर्ट करते हुए जो भी टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं उन्हें टैरिफ्स कहा जाता है नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड कोटास अब कोटास का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कोटा मैं कोटा पता ही होगा आप लोग इंडियंस सारे मोस्टली तो कोटा तो ऑब्वियस बात है पता है काइंड ऑफ रिजर्वेशन लिमिट कि भाई सौ में से तो ये ऐसा है कि 65 तो ये पर्टिकुलर जो एस सी एस टी ओबीसी या जो भी कैटेगरीज है उनको दी जाएंगी सेम कोटा यहाँ पे काम करता है लेकिन वैसे नहीं कि अब इतने ही लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कोटा में सरकार लिमिट सेट कर देती है

हो सकता है आप में से कुछ का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए इंटरनेशनल बिजनेस में और हो सकता है आप में से कुछ ऑलरेडी अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में लॉ में या फिर किसी और सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड हो गए इसका मतलब है मेरी कॉन्सेप्ट को मेरी बात को समझने की कोशिश करना डेट आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में ऑलरेडी स्पेशलाइज होते हैं राइट right? तो आप सोचते हो जिस चीज में मैं स्पेशलाइज हूं मैं उसे ही करूं अगर कोई काम मैं अपनी स्पेशलाइजेशन के बियॉन्ड जाके करता हूं ना स्टूडेंट उसमें मेरे को नुकसान होगा क्योंकि टाइम लगेगा ज्यादा खर्चा भी आ जाएगा समय भी लगेगा और उस लेवल का जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो आउटपुट भी मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन कि हमें ये समझना चाहिए कि सबसे बेटर रहेगा कि हम उन कंट्री से उन सामान को मंगाएं जिस 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 चीज के अंदर वो कंट्री स्पेशलाइज है जैसे कि आपने सुना होगा ज्यादातर जो खजूर है, है ना खजूर हो गया या फिर काजू बादाम वगैरह हो गए ये सब ना अफगानिस्तान इराक ईरान इन सब जगहों से ना काफी ज्यादा मंगवाए जाते हैं इनकी वजह स्पेशलाइज है वो देश उस चीजों में राइट तो हर कंट्री की स्पेशलाइजेशन है तो रेदर देन तुम हर काम खुद करो जो तो कंट्री जिस चीज में स्पेशलाइज है उनसे वो सामान मंगा के आप काम करो आपके लिए बेस्ट रहेगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कैसे देखो student, एक बात यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं कलर चेंज कर लू पहले मैं आपके लिए ये वर्ड इन्वेस्टमेंट भाई इसको ना अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो क्योंकि पूरी दुनिया को जो चलाने वाली फोर्स है ना वो ना मोदी जी हैं ठीक है थीके? और ना ही वो ट्रंप साहब है ही वो इलॉन मस्क साहब इलॉन मस्क साहब है ठीक है ना ही वो विटो तो का मालिक है ना ही वो फेसबुक का मालिक है पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जो चलाने वाला फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट क्योंकि स्टूडेंट इफ इफ इन्वेस्टमेंट इज 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 देयर 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 ओनली ओनली देन देन बिजनेस बिजनेस एंड जॉब्स एग्जिस्ट इन द मार्केट राइट सोच के देखो आज सब लोग कहें कि हमें जॉब करनी है हमें जॉब करनी है हमें जॉब करनी है ठीक है थीके? कर लो जॉब देगा कौन जब कोई जॉब

जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी सो मोरल ऑफ द स्टोरी इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है आज हम कहते हैं कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं ठीक है ठीके? देखो हमें पॉलिटिकल व्यू को हटा देते हैं क्या आप बुरा किया जब वो टॉपिक आएगा तो बुरे की बात भी कर लेंगे फिलहाल जो अच्छा किया उसकी बात मैं आपसे करता हूं देखो बार बार लोगों का कहना घूमने जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं भाई घूमने नहीं जा रहे ठीक है आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है इस लेक्चर को सुन रहा है आप एक बात सोच के देखो आप जस्ट ये देखो अगर आपके फादर या मदर बिजनेस में है ठीक है और उनका एक बिजनेस का स्केल अच्छा है तो आप भी देखते सुनते होंगे पापा कहते होंगे मम्मी कहते होंगे आज मीटिंग के लिए उसने तो गए थे यार अब, अब अब ऐसा है कि तमिलनाडु में एक बंदे से बात हुई है उसने बोला है कि भाई वो ऑर्डर देगा जरा उससे मीटिंग करने जाना है क्या करने जा रहे हैं घूमने नहीं जा रहे हैं अब वो तमिलनाडु चले गए तमिलनाडु में उनको पता है कि भाई पाण्डुचे नाम की जगह है बढ़िया जगह है बीच बीच वीचे जाके एक फोटो खिंचा ली चेन्नई में जाके फोटो खिंचाई तो घूमने थोड़े ना गए थे वो तो बिजनेस के लिए गए थे दो फोटो खिंचाने का मतलब क्या घूमने चले गए सेम विद आर करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है वो दूसरी दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्या कि वहां के लोगों को बोल सके कि भाई इंडिया में सब कुछ है सस्ता लेबर है दुनिया भर के अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है तो तुम क्यों दूसरी दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो आप हमारी कंट्री में आओ ना हम आपको देंगे आप बताओ आपको क्या चाहिए आपको लैंड चाहिए आपको लेबर चाहिए आपको किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए हम सब आपको देंगे रीजन देखो स्टूडेंट्स इसके पीछे का सिंपल क्या है मैं आपको बता रहा हूं अगर शार्क टैंक का शो है होपफुली जो भी लेक्चर देख रहा है आप में से कोई एक आध कनेक्ट कर पाएगा शार्क टैंक इंडिया शो आता है दुनिया भर से इनके अच्छे खासे धंधे चल रहे हैं बट वो फिर भी शार्क टैंक पे आते हैं क्यों वो तो पता है शार्क टैंक पे जाएंगे तो एक तो इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं भी मिलेगी तो एक इंटरनेशनल टीवी पे आ गए नेशनल टीवी इंटरनेशनल देखो सोनी तो अब भी मुझे पूरी दुनिया में चल रहा होगा तो अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए सोच तो के देखो प्रोडक्ट तो ऐसे बिक गया इन्वेस्टमेंट तो आपको भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सही है क्योंकि स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है साइकिल याद करो इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होगी प्रोडक्शन बोल लो मैनुफैक्चर बोल लो या सर्विस को रेंडर करना बोलो कुछ भी बोल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होगी अगर तुमने प्रोडक्शन कर दी तो प्रोडक्शन से इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट से इनकम इनकम से डिमांड डिमांड सप्लाई पूरी चेन बढ़िया तरीके से घूमती रहेगी तो वो चेन साइकिल को पूरी तरीके से घुमाने के लिए स्टूडेंट हमें क्या चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए बिना उसके हमारा काम नहीं बनेगा तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बेसिस है तो ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स बिल्कुल सही बात है कंपनीज इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स ऑफ कोर्स कंपनीज जो है फॉरेन की मार्केट्स में इन्वेस्ट करती हैं ईदर बाय एस्टैब्लिशिंग सब्सिडीज और थ्रू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अब ये जरा समझ लेते हैं कि ये क्या है कि सब्सिडीज में इन्वेस्ट करती है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इसका क्या मतलब हुआ भाई देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठ करके इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ ऐसे कोर्सेस के होंगे जिनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स है तो बी कॉम बी कॉम ऑनर्स इको ऑनर्स ठीक है बी एस सी स्टार्ट इन बीबीए बी बी ई बी एम एस बीबीएस इनमें से कोई आपका कोर्स होगा तो आई होप आप लोगों को ये याद होगा ट्वेल्थ क्लास में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी जिसमें आप ये पढ़ते थे कि भाई एक बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की चीज होती है अगर वो नहीं भी आप तो भी मैं कहता हूं फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आती है स्टूडेंट उसको दो पार्ट में कोई भी कंट्री डिवाइड करती है एक करती है इन द फॉर्म ऑफ एफ ठीक है और एक करती है इन द फॉर्म ऑफ एफ कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्योंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो ठीक है तो डेफिनेटली अब तक के आपके स्टडी के करियर में आपने कहीं ना कहीं स्टम्स को पढ़ लिया होगा तो एफ का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका मतलब होता है ओनरशिप भी मेरी और मैनेजमेंट मेरा क्या मतलब है इसका टाटा मोटर्स है टाटा मोटर्स स्वीडन में गए उन्होंने बोला भाई बढ़िया देश है परचेजिंग पावर अच्छी है यहां पे अपनी गाड़ियां बेचेंगे ठीक है स्वीडन की जो गवर्नमेंट है मान लेता हूँ कि बड़ी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला नहीं हमें कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं चाहिए हमारे लिए हमारे पास जो कंपनीज हैं उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं हम आपको आपका प्लांट नहीं खोलना देंगे लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके शेयर्स देना चाहते हो तो यू आर अलाउड ठीक है यू आर मोस्ट वेलकम अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दे जिसमें सिर्फ ओनरशिप होती है भाई आप कॉमर्स के स्टूडेंट ओनरशिप इक्विटी मतलब ओनरशिप राइट right? तो आपको मैनेजमेंट नहीं मिलती खाली ओनर बन जाते हो क्योंकि इक्विटी आपके पास उसे बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होपफुली आप में से किसी ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सुना होगा तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आर सेम राइट लेकिन स्वीडन की गवर्नमेंट ने कहा अच्छा टाटा मोटर्स आ रहा है अरे तो बहुत राउंड ब्रांड है दुनिया का अगर ये हमारे देश में आएगा तो हमारे देश का तो बहुत फायदा हो जाएगा तो बात है तो उन्होंने बोला ठीक आप खोल लो अब टाटा मोटर्स अब सीधा अपने नाम से जा रहा है कि हम टाटा मोटर हम अपना ही प्लांट खोलेंगे अपनी ही गाड़ियां नेक्सोन टियागो टाटा पंच ये बनाएंगे और यहां बेचेंगे दैट इज कॉल्ड एफ तो जब मैनेजमेंट भी मेरा ओनरशिप भी मेरी तो एफडीआई जब सिर्फ ओनरशिप मेरी क्योंकि मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो यही बोलना चाह रहा था टेक्नोलॉजिकल एडवांस देखो ये बहुत बड़ी वजह है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इन्वेस्ट करें क्यों क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब ही होता है वो कंट्रीज जिनको क्या मिलता है जिनको मतलब जिनके पास सादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज होती हैं ठीक है थीके? उनका एक वेल डिफाइंड मार्केट होता है उनकी कंट्री के अंदर जो बिजनेस होते हैं वो ऑलरेडी फ्लिश कर रहे होते, है, ये होते हैं ये होती है डेवलप कंट्रीज तो डेवलप कंट्री के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दैट दे और डिसेंट बैकग्राउंड ऑफ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बहुत हाई और एडवांस होते हैं राइट तो जब आप यूएस जैसे देश को ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो खैर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 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 मतलब Australia एक डेवलप्ड कंट्री जरूर है स्टूडेंट लेकिन Australia के पास अपना खुद का खास कुछ नहीं है राइट मतलब वो ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करके डिपेंड वो इंपोर्ट करके ही जी रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हटा दो यूएस हो गया जर्मनी हो गया कोरिया हो गया जापान हो गया यूके हो गया तो ये कुछ देश ऐसे फ्रांस हो गया ठीक है इसराइल हो गया ये कुछ ऐसे देश हैं जो किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं राइट तो आपके देश को फायदा क्या होगा आप देखो सोनी आप समझ सकते हो सोनी सैमसंग ठीक है एप्पल गूगल आप सोच के देखो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं सैमसंग सम वे और दी अदर आजकल बड़े से बड़े ब्रांड पता नहीं मैंने सुना है अपने फोन की स्क्रीन लैपटॉप के अंदर काफी का सारी चीजें सैमसंग से लेके एप्पल भी वो चीजें सैमसंग से लेकर के करवाता है राइट एप्पल आप जानते ही हो माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हो गूगल आप जानते ही हो ठीक है सोनी में बात कर रहा था सोनी मतलब कैमरे के वर्ल्ड को और म्यूजिक सिस्टम के वर्ल्ड को रिवोल्यूशन करने वाला जो है सोनी जापान तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिल सकता है राइट ठीक है नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज जैसा कि मैंने आपसे कहा अब देखो इंडिया में पहले क्या होता था मतलब मैं, मैं अपने स्कूल टाइम की बात करता हूँ होपफुली शायद आपका भी आपने कभी स्कूल टाइम में देखा हो एम नॉट श्योर ऐसा होता था कि जो डंडा होता था ना स्कूल में उस टाइम पे अलाउड था अब तो टीचर्स को अलाउड नहीं है मारना तो उस टाइम पे अलाउड था तो उस डंडे पे लिखा होता था सरस्वती मतलब जो डंडा होता था तो डंडे पे लिखा होता था सरस्वती की देवी क्यों? या देवता रीजन है सरस्वती माता का मतलब हम जानते हैं सरस्वती माता का मतलब है पढ़ाई की माता है ना तो डंडे को क्यों क्योंकि जब तक पेलोगे नहीं स्टूडेंट को तब तक वो पढ़ के नहीं आएगा होमवर्क नहीं करेगा पनिशमेंट नहीं करेगा सॉरी तो पनिशमेंट नहीं दोगे तब तक वो होमवर्क नहीं करेगा अब इंडियंस पहले तो पेला पाली करते थे खूब दबा के मारते थे अब हुआ क्या हुआ ये कि हमने फॉरेन में देखा जैसे डेनमार्क नॉर्वे और कभी भी आप फॉरेन के आजकल तो बहुत मूवीज आते देखते हो वहां पे आप उनके बच्चों को थोड़ा भी वो पेरेंट्स गाली भी दे दे तो केस कर देते हैं इंडियंस को भी समझ में आ गया अच्छा अच्छा ये हो रहा है कि हमारे को तो गधे घोड़ों की तरह पेला जाता है और यहाँ इनको तो बिल्कुल वो ऐसे वो जो हाथ वाला कुत्ता होता है उसके पप्पी की तरह पालते हैं तो भी राइट्स हो भाई हमें नहीं पता तो हमने ये सब चीजें सीखी देखी ठीक है क्योंकि वो लोग यहाँ पे आए तो उनका कल्चर समझा तो हमने उसे अडॉप्ट किया एल्कोहल कंजम्पशन सिगरेट कंजन शॉर्ट ड्रेसेस ठीक है या फिर इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट ड्रेसेस ओनली चाहे मेल के अंदर जीन्स का कल्चर हो गया शर्ट्स टी शर्ट का कल्चर हो गया ठीक है कोट पैंट का कल्चर हो गया ये सब क्या ये वेस्टर्न है क्योंकि इंडियन ड्रेस तो धोती कुर्ता थी ना तो यहाँ तो आप सिंपली बोल सकते हो अगर कल को कोई आपको बोलता है सपोज मैं ये लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ कल को कोई आपको बोल रहा है कि लड़कियों को कि भाई लड़कियां तो बढ़िया साड़ी में ही लगती हैं सूट में ही लगती हैं तो भाई बोलो और या फिर अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर रखा है तुमने साड़ी और सूट पहन के बोलो बात तो बिल्कुल सही है साड़ी और सूट पहनने को तो तैयार है लेकिन ये बात तुम तब बोलना जब तुम खुद धोती कुर्ते में घूमने शुरू हो जाओ ठीक है तब ये बात बोलना खुद तुमने वेस्टर्न ड्रेस को पूरा टू पीस थ्री पीस और पता नहीं क्या क्या पहन लिया और फिर आकर के ज्ञान इस बारे में दे रहे हो कि भाई ये करना कि साड़ी पहनो तो कल्चर प्रोटेक्ट होगा तो कल्चर सिर्फ फीमेल से थोड़ा प्रोटेक्ट होता है मेल से भी होता है तो कल्चरल एक्सचेंज है ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेक्स्ट है पॉलिसी हार्मोनाइजेशन नो व्हाट इज पॉलिसी हार्मोनाइजेशन देखो आज मुझे अगर यूएस के साथ ट्रेड करना है मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड मुझे करना है यूएस के साथ तो स्टूडेंट मुझे कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिसीज है इस तरीके से अलाइन करनी पड़ेंगी कि वो यूएस के फेवर में भी हो मैं अब अब जैसे अब बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है कैनेडा का कैनेडा ने बहुत गलत एक तरीके से मैं कहूंगा मेस किया इंडिया के साथ इतने ज्यादा वीजा ड्रॉप हुए इतने ज्यादा कैनेडा के वीजा ड्रॉप होने लग गए स्टूडेंट्स ने बॉयकआउट करना शुरू कर दिया और उसको भी छोड़ो वो भी छोड़ो आपको डेफिनेटली मालदीव वाला केस पता होगा अगर आपको मालदीव का केस नहीं पता तो जैसे ही आप ये वीडियो देखो जाकर के सर्च कर लेना एक बारी कि मालदीव का जो कंट्रोवर्सी हुई पीएम मोदी के साथ वो क्या हुई आप एक बार देखना इज के पीएम मोदी ने एक बार वो डाला और मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने बोल दिया कि नाना हम ल... पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के बारे में डाला था उन्होंने बोल दिया भाई मालदीव ये वो सब ने अपनी टिकट वगैरह सब कुछ कैंसिल करा दी मालदीव का बहुत नुकसान हुआ तो पॉलिसी हार्मोनाइजेशन बहुत जरूरी है अगर तुम इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहे हो तो तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो तुम्हारे साथ का देश है और तुम्हारी पॉलिसी कभी भी उसके अगेंस्ट ना होनी चाहिए वो इस तरीके से हो अलाइन दो कि तुम दोनों का कलेक्टिवली बिजनेस ग्रो कर पाए राइट नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिशन अब ये ग्लोबल कॉम्पिटिशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है course, मैंने जैसा कि पहले एग्जाम्पल दे दिया अब आपकी जो ये इंडियन ब्रांड है ये इंडियन ब्रांड इसको ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और कंपटीशन स्टूडेंट्स मेक्स बेटर ऑफ क्यों क्योंकि जब अब देखो मेरे को पता है कि भाई अगर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाने में कोई भी कमी छोड़ी कुछ समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स हैज मल्टीपल ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट्स हैव मल्टीपल ऑप्शन वो कहीं भी जाएंगे स्विच कर लेंगे यार इन सर से समझ तो आया नहीं है कंपटीशन है तो आई विल ट्राई कि मैं अपनी हर एक लेक्चर को इतना ज्यादा तरीके से आपको आपको समझाऊं कि लगे यार हाँ। जो पढ़ाया बढ़िया समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है राइट तो ये है ग्लोबल कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ रहे हो कॉम्पिटिशन अब ग्लोबल हो गया तो आपको भी अपनी क्वालिटी को एनहेंस करना पड़ेगा नेक्स्ट है देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोलता कि एवरी कॉइन कॉइन इज टू फेस हर के दो फेस है तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आपको दोनों ही मिलेगी भाई सिर्फ रिस्क मिले ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिले बिल्कुल भी ना कैसे आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी जाहिर सी बात है रिस्क तो है फॉरन से कॉम्पिटिशन आएगा तो भाई अपनी क्वालिटी अच्छी कर लो सब कुछ बहुत बढ़िया कर लो ठीक है तो तुम्हारे को फायदा है नहीं दो रिस्क है अपॉर्चुनिटी कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तुम उस टेक्नोलॉजी को समझोगे जानोगे तो वैसी चीजें तुम अपने देश में बना सकते हो प्लस साथ ही साथ में और अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है नेक्स्ट है मल्टी नेशनल कारपोरेशन रियली डोंट थिंक कि ये आपको पता नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन करने के लिए एम ही तो सबसे बड़ी नहीं है क्योंकि कौन बारह किलोमीटर यूएस बारह किलोमीटर दूर है वहां से यहाँ इन्वेस्ट करने आएगा जिसके पास ये अच्छा होगा और जिसका काम इतना बल्क में होगा कि वो इतनी दूर आएगा ताकि उसकी कॉस्ट कटिंग हो सके राइट सो दैट इज द केस ऑफ मल्टी नेशनल ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के फॉर्म्स किस किस तरीके का ग्लोबलाइजेशन हो सकता है तो इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन तो इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है भाई इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑन अ ग्लोबल स्केल जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल सप्लाई चेंज को फाइनेंशियल मार्केट को इंटीग्रेट करना तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फाइनेंशियल मार्केट को मर्ज करना अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी तो आप लोगों ने सोन ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स इंडियन डिपोजिटरी रिसीट्स पढ़ा होगा कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि टाटा मोटर्स है और टाटा मोटर्स स्वीडन में या यूएस में कहीं पे अपना एक्सपेंशन चाहते हैं कि भाई चलो एक काम करते हैं अपनी एक जो प्लांट है वो यूएस में लगाते हैं क्योंकि यहाँ से इम्पोर्ट करके ले जाने से बेटर है वहीं पे लगा लेते हैं ज्यादा फायदा होगा अब अगर मान लो टाटा मोटर्स ऐसा करता है एक टाइम के बाद टाटा मोटर्स को क्या चाहिए होगा पैसा चाहिए होगा कौन चाहिए होगा अब वो टाटा मोटर पैसा कैसे लेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लेके वहां तो ना इन्वेस्ट करेगा वो कोशिश करेगा कि वहीं के स्टॉक मार्केट से पैसा रेस कर सके तो आपने शायद पढ़ा होगा कि अमेरिका से पैसा रेस करने के लिए किसी भी कंपनी को एडीआर अमेरिकन डिपोजिट रिसीट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना और जो भी प्रोसीजर है तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन सो इट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सिस्टम अक्रॉस कंट्रीज

क्या कहते हैं कमर्शियल बिल होता था जीरो कूपन बॉन्ड होते थे तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सो दिस इंटरकनेक्टेडनेस अलाउस फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अब कैसे भाई क्योंकि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो आज एक इंडियन बंदा एप्पल के शेयर माइक्रोसॉफ्ट के शेयर एमेजोन के शेयर गूगल के शेयर सबके शेयर खरीद सकता है क्योंकि अब मुझे लगता है भाई एप्पल क्या कंपनी है टेस्ला क्या कंपनी है लेकिन अगर फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो मैं अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है तो मैं अपने गुड्स तो वहां बेच सकता हूँ वहां से गुड्स मंगा सकता हूँ लेकिन मैं उनकी स्टॉक मार्केट को इन्वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे दिख रहा है यार टेस्ला तो अभी आगे बहुत ग्रो करेगा क्या बढ़िया मौका मेरे को मिल जाता ना इन्वेस्ट करने का फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन आपको मौका देता है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को इंटीग्रेट करता है जिससे कि आप किसी भी कंट्री के सिटीजन है आप दूसरी कंट्री के अंदर जो उनके एसेट्स हैं

नेक्स्ट है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन देखो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है जहां पे आपका एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहता है दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे अब मैं आपको जरा ऑस्ट्रेलिया की बात बताता हूं देखो बस बहुत नॉर्मल सी बात है ऑस्ट्रेलिया का बाप यूएस को माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया की मां यूके को मानी जाती रीजन क्या है ऑस्ट्रेलिया के पास अपना खुद का ना कुछ नहीं है ठीक है मैंने बताया ना देखो आप कभी देखना मैप पे ऊपर जो जानता है वो जानता है जो नहीं जानता देखना पूरी तरफ समुद्र समुद्र से घिरा पड़ा है नेचुरल के तौर पे एस सच उसके पास रिसोर्सिस है नहीं कुछ खास मतलब वैसे देखा जाए तो कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है कुछ चीजों के रिजर्व है उसके पास ऑयल वगैरह के रिजर्व है लेकिन इतने सफिशियंट नहीं कि सब कुछ वो अपने आप कर सके तो मैक्सिमम चीजें वो बाकी देशों से इम्पोर्ट करके अपना काम चलाता है लेकिन एक स्टेबल इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है पीछे देखो ना बाप मां कौन है भाई ये भी तो फर्क पड़ता है तो बाप मां बहुत स्ट्रांग है तो वो देश अपने आप स्ट्रांग बन गया अब आपने सुना होगा कि आ, जब इनकी आ, जो क्वीन एलिजाबेथ है अभी इनकी जब डेथ हुई थी 2023 के अंदर तो एक डॉक्यूमेंट था आ, उसके बारे में पढ़ना आप लोग वो डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहा गया कि उस डॉक्यूमेंट को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है अब वो पता नहीं किसके पास ऑस्ट्रेलिया में मतलब रिजर्व रखा गया है जिसको पता नहीं आज से कितने साल बाद खोल के पढ़ा जाएगा ठीक है मतलब ऑस्ट्रेलिया का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल यूएस और यूके के हाथ में बहुत अच्छे से रहता है बहुत अच्छे से दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन अब हम जानते हैं इसराइल गाजा इसल ने पूरी तरीके से पैलेस्तीन को खत्म करते करते ऑक्युपाई कर ही लिया ठीक है वो तो खैर ऑक्यूपाई ही कर लिया बट अगर मान लो आप फिर भी कोई कंट्री हो और दूसरी कंट्री आपके बहुत इन्फ्लुएंस में क्योंकि आप उस कंट्री के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करते हो आप उस कंट्री को मतलब आर्मी देकर आर्म फोर्सेस देकर के पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हो तो वो कंट्री एक तरीके से जो आप कहोगे जैसा आप कहोगे उस बातों को मानेगी मानना ही पड़ेगा नेक्स्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो कि आपको पता है कि आज हमारा जो भी कल्चर है जो भी रिचुअल्स है जो भी हमारे ट्रेडिशन है बहुत सारी चीज़ों को हमने पीछे छोड़ा है बहुत सी अच्छी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है वेस्टर्न कल्चर से लेकिन बहुत एट द सेम टाइम काफी खराब चीजें भी अडोप्ट हुई है उन कल्चर से तो कल्चर ग्लोबलेशन तो होता ही होता है राइट ठीक है तो अगर हम इसकी समरी देखें तो हमने क्या बोला इन समरी दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिफ्लेक्ट द ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ग्लोबल ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन इसका मतलब क्या हो सूडेंट कि जब ग्लोबलाइजेशन की तुमसे बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन को केवल और केवल ये मत समझ लेना के ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि के केवल तुम्हारा ट्रेड तुम्हारे किसी और देश के साथ होना नहीं सिर्फ इतना ही ग्लोबलाइजेशन का मतलब नहीं होता ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं है फाइनेंशियल पॉलिटिकल कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी उसका एक इनहेरेंट पार्ट बन करके आपके सामने आता है राइट right? ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर स्टूडेंट्स आई थिंक इस लेक्चर में हमने सफिशिएंट बात करी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एंड साथ ही साथ हमने ये बात भी कर ली कि टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मोर ऑफ इट कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है क्या तरीके हैं सो लॉट स्टूडेंट्स बाय टेक केयर